नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और के न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे, राजधानी दिल्ली सहित देश भर में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद प्रदूषण में काफी हद तक गिरावट आई थी। देश के कई इलाकों में AQI 100 से कम आ गया था, लेकिन शनिवार को बहुत यह खराब श्रेणी में आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार शनिवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, हालांकि ये खराब श्रेणी में बनी हुई है। बीते दिन रात भर हुई बारिश के बाद शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है। AQI 282 दर्ज किया गया, आनंदपुरम में 220 रहा, पंजाबी बाग में सुबह AQI 236 दर्ज किया गया, ITO में ये 263 रहा, गुरुवार को AQI 437 और बुधवार को 426 था। बता दें आपको कि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में हवा प्रदूषित है। दिल्ली में AQI पोल्यूशन, बारिश के 24 घंटे बाद पोल्यूशन का कमबैक। प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भरत शेट्टी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप तीनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं, आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे जो हैं वो जलाए जाते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन काफी समय से हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। प्रवेश, सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की आबोहवा सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ पर अगर हम आज अभी की बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अभी, क्या AQI में कुछ परिवर्तन आया है या हवा ऐसे ही अभी आगे कुछ दिन तक खराब रहने वाले? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं भी के न्यूज की पूरी टीम और के न्यूज के दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बात दिल्ली की आबो हवा की करें तो वो जब दो दिन पहले दिल्ली में बारिश आई थी तो थोड़ी बहुत जो है जहरीली हवा में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज दीपावली है, दीपावली का पर्व है, लोग पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी करेंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो आबो हवा है या बात करें जहरीली हवा, वो दोबारा से अपना वही रूप लेगी। संभावना जताई जा रही है कि आज जब दिवाली की रात, दिवाली बीतेगी तो कहीं ना कहीं लोग जब आतिशबाजी करने के, तो उसके बाद दिल्ली का जो AQI है फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। लगातार दिल्ली का जो AQI है, हवा की जो गुणवत्ता है, वो बेहद खराब स्थिति में चल रही है। लेकिन बारिश के बाद थोड़ा सा सुधार हमने जरूर देखा था। जी बिल्कुल, भारत का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल वायु का क्या स्टेटस है, AQI कितना है, साथ ही साथ चूंकि दिवाली का आज पर्व है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोग पटाखे भी जलाते हैं, साथ ही साथ भले ही कितना भी प्रतिबंधित हो लेकिन लोग पटाखे जलाने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से हमारी आबोहवा दूषित होती है। साथ ही साथ सब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो व्हीकल्स भी ज्यादा चलते हैं, तो ऐसे में AQI कितना है, साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर जब त्यौहार का दिवाली की बात करें तो दीपावली में लोग जो पटाखे हैं वो जलाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्दी हवाओं की, ठंड की दस्तक के बाद जो AQI लेवल अक्सर देखा गया है बढ़ जाता है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें लखनऊ में, अगर कुछ दिन पहले, अगर 20 दिन बारिश जो हुई थी उससे राहत जरूर मिली थी, जो AQI लेवल है इंडस्ट्रियल एरिया का वो 300 के पार पहुंच गया था, लेकिन बारिश के बाद राहत देखने को मिली। AQI जो लेवल है वो 100 के आसपास रहा। अगर आज करंट की हम लोग बात कर लेते हैं तो 198-180 के आसपास लखनऊ के तमाम एरिया में AQI लेवल है। लेकिन हाँ, ये अभी कह सकते हैं कि 200 के पार बारिश के बाद AQI लेवल नहीं एक्सटेंड हुआ है। अगर पटाखों की बात करें, जो मेन त्यौहार है दीपावली, लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पटाखे अक्सर जो प्रतिबंधित किया जाता है कि प्रदूषण को लेकर पटाखों पर रोक लगाई जाए या फिर एक टाइम लिमिट कर दिया जाता है कि इस समय से लेकर इस टाइम तक ही खाली पटाखे लोग जलाएं, लेकिन उसके बाद जो पोल्यूशन लेवल है वो अक्सर बढ़ता है। इसको चाहे जितनी भी सरकार रोक लगा ले, जितने भी प्रतिबंध कर दे, अब देखना ये होगा कि आज के बाद जब प्रदूषण होगा तो कल का जो AQI लेवल कितना बढ़ जाता है और कितना सेहत के लिए नुकसान होता है। फिलहाल बारिश से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो AQI लेवल में सुधार देखने को मिला था, लेकिन जब बारिश के बाद 24 घंटे
हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो लगातार है जो प्रदूषण बढ़ रहा है, अब देखना यही है कि कल कितना एक्यूआई लेवल होता है। अगर प्रशासन की बात करें, जितने भी फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पर भी अगर मानक से अधिक प्रदूषण, काफी धुआं इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री से निकलता है, तो उस पर भी प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये एक एडवाइजरी जारी की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि इस तरीके से अब एक अगर पॉल्यूशन जो भी फैक्ट्री फैलाती है, या फिर सबसे बड़ा है कि अगर अगर किसी के ऊपर भी अगर कार्रवाई होती है, तो उससे कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो फैक्ट्री में देखने को मिलेगा कि लोग अब सुधार करेंगे। फिलहाल अभी यही देखना होगा कि कल के बाद, पटाखों के बाद और इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि सर्द हवाएं बढ़ेंगी, पॉल्यूशन निश्चित तौर पर अभी आगे और बढ़ता दिखेगा। अब कितना बढ़ेगा और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। मेरठ की अगर हम राजू बात करें, तो मेरठ की आबो हवा यूपी में सबसे ज्यादा खराब है, और यहाँ पर इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं मेरठ को लेकर। तो आखिर अभी कुछ बदलाव हुआ है या फिर AQI अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे मेरठ नंबर वन रहा है और देश में तीसरा स्थान हासिल किया था मेरठ ने प्रदूषण शहरों में। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें, तो फिलहाल जिस तरह से दो दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 200 के आसपास अभी प्रदूषण का जो लेवल है AQI है वो दर्ज किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में इस प्रदूषण का AQI लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से आज दिवाली है और दिवाली के दिन पटाखों पर बेशक प्रतिबंध है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी पटाखे छुटाए जाएंगे और जो धुआं है वो निकलेगा और प्रदूषण का एक रूप लेकर जहरीली हवा में घुल जाएगा और जहरीली हवा फैलाने का काम करेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब जो आज के बाद का जो प्रदूषण लेवल है वो कितना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर तमाम जो अधिकारी है वो बेशक जो है सख्त रवैया अपनाए हुए, तमाम डिपार्टमेंटों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि वो AD चोटी का जोड़ लगाए और प्रदूषण का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम भी आ गया है, ठंड का और धुंध की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही दीपावली है, गोवर्धन है, तो इन दो दिनों में सबसे अधिक पटाखे छोड़े जाने का रिवाज भी है। बेशक पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं और छुड़ाए भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो लेवल है और जहरीली जो हवा है वो देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, अब हम बात कर लेते हैं पटाखों के प्रतिबंध पर, क्योंकि ये भी पोल्यूशन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। मैं प्रवेश जी पे सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक पटाखे हैं जिन पर बैन लगाया है, लेकिन चूंकि हमारे देश में जुगाड़ बहुत है, अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उन पटाखों को ले आता है, मनमानी की जाती है। ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है कि इस तरीके के जो पर्टिकुलर कुछ जो पटाखे हैं जिन पर प्रतिबंध है वो ना बेचे जाएं, इनको लेकर प्रशासन ने किस तरीके से सख्ती की? बीते कुछ समय से क्या कुछ तैयारियां की गई? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में पटाखा पूरी तरीके से बैन है, पूर्ण रूप से बैन है, चाहे वो बेचना हो चाहे वो उसको फोड़ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार से दिल्ली वासी है, जो आसपास के राज्य है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा होगा, अभी प्रवेश जी लोगों के पास बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आतिशबाजी सुबह से ही चालू है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लोगों के पास स्टॉक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बार बार प्रतिबंध जरूर लगता है, लेकिन बात सख्ती की करें तो उसमें कहीं ना कहीं धर्म की आड़ होती है, या बात करें कि लोगों की अपनी आस्था होती है। लगातार हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, कई लोगों के जो है सामने वर्जन आ रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको मुझे जेल में डालना है तो डाल दीजिए, लेकिन मैं दिवाली पे आतिशबाजी जरूर करूंगा। और कई कई लोगों ने तो कई अभद्र भाषा तक का प्रयोग किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जहां तक बात पटाखों की है, वो बैन है, पूरी तरीके से बैन है। पिछली बार ग्रीन पटाखों को इजाजत जरूर मिली थी, लेकिन इस बार उन पर भी बैन है। और मैं ये भी स्पष्ट तौर पर बता दूं कि दिल्ली में पटाखे आसपास के इलाके से मिल रहे हैं, लोग ला रहे हैं, गाड़ियों में रख रहे हैं, दुबका के ले रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से मुझे ये भी खबर मिली है कि अगर आपको पटाखे चाहिए तो एक नंबर पे कॉल कीजिए, वो आपको मिठाई के डब्बे में पैक कर कर जैसे आपको दिवाली का गिफ्ट दिया जा रहा है, इस तरीके से आपको पटाखा भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल प्रवेश जी, देखिए ये भले ही सुनने में बहुत थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा हो, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि एक तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार
रोशनी करने का है, पूजा पाठ करने का है, पटाखों का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम जी आए थे तो पटाखे नहीं छोड़े गए थे, ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। और हमें लगता है कि अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो शुरुआत मुझसे, आपसे, हर उस प्रत्येक व्यक्ति से करनी पड़ेगी जो इस धरती पर रह रहा है। हम प्रशासन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इस बात को स्वीकार ही करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं एक बात भी स्पष्ट तौर पे बता दूं कि लोग सिर्फ और सिर्फ जो आरोप तो साफ तौर पर लगाएंगे कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन बात अगर स्वयं कुछ करने की होगी तो कहीं ना कहीं लोग पीछे हटेंगे। लोग जानते हैं दिल्ली की हवा जहरीली है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की स्थिति बन गई थी। फिलहाल दो दिन से बारिश के बाद वो स्थिति थोड़ी सी कम जरूर हो गई है, लेकिन जब आतिशबाजी होगी तो वो दोबारा से होगी। उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में तो आतिशबाजी भरपूर मिलेगी, और मैं आपको बता दूं कल का जो AQI का लेवल होगा उसका अनुमान पहले से ही अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि फिर से दिल्ली की जो हवा है वो दूषित होगी, जहरीली होगी, और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। जी बिल्कुल भरत, आपसे भी मेरा वही सवाल कि शुरुआत आपसे, हमसे होगी तभी ये बदलाव हो पाएंगे और हम अपनी हवा को जो है वो फिर से स्वच्छ और साफ कर पाएंगे। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनकी आबोहवा खराब चल रही है, चूंकि त्योहार है और पोल्यूशन की बढ़ने की संभावना ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें आपको ये इनिशिएटिव लेना होगा कि हम कम से कम प्रदूषण करें ताकि इस धरती पर हम सांस ले सके और ऑक्सीजन जो है वो हमें ठीक तरीके से मिल सके और हम लोगों का भी भला कर पाए। चर्चा में इसी पर कर रहे हैं हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। भरत जी सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे कि आपने कहा है कि शुरुआत हम और आपसे ही होगी, क्योंकि खुद को और अपने फ्यूचर को और अपने जो आने वाले समय को हम लोगों को बचाना है लोगों को प्रदूषण से। जिस तरीके से प्रदूषण का जो हाल है, एक्वाई लेवल का जो हाल है वो बेहद खराब होता जा रहा है। और पटाखों की अगर बात करें बैन की, तो लखनऊ में अभी कुछ जैसे देसी बम है वो लखनऊ के आउटर्स में बनते हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, वो लखनऊ में ब्लास्ट और बेचे नहीं जा सकते। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी भी लखनऊ के काकोरी है या फिर तमाम ऐसे आउटर्स के एरिया है जहाँ पर घरों में देसी बम तैयार किए जाते हैं और उस दौरान हादसे भी होते हैं। कई अब ये बात कर कुछ साल पहले की 2016 या 2017 की, तो एक लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग जो पटाखे बनाते हुए घायल हुए थे। तमाम उत्तर प्रदेश तमाम देश के राज्यों से ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं। ये सबको सोचना चाहिए कि हमारा जो आने वाला समय है, जिस तरीके से अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो तमाम बीमारियां लेके बढ़ेगा, चाहे वो सांस संबंधित बीमारी हो, चाहे कई अन्य बीमारियां हैं। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि जब प्रदूषण हो तो मास्क पहनिए और तमाम तरीकों का सावधानी बरतिए। लेकिन अगर जिस तरीके से पटाखों को छोड़े जाते हैं, जिस धुआं निकलता है वो सेहत के लिए भी हानिकारक है, परचेज करते हैं, बैन इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यूपी में नॉर्मल जो बम है वो बैन नहीं हुए हैं, बम बिक रहे हैं, लेकिन एक समय जो टाइम है वो समय निर्धारित कर दिया गया कि इस समय तक पटाखे फोड़े जाएंगे या फिर बिकेंगे। और इसके अलावा अगर जो दुकानें मार्केट तकती हैं आउटर्स में जहाँ पर बम पटाखे बिकते हैं, वहां पर भी जो फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां तैनात रहती हैं, अगर कोई हादसा होता है तो एक बड़ा हादसा तब्दील ना हो, लेकिन वहां पर भी उन लोगों को जांच करनी चाहिए, पुलिस कर्मियों को भी, क्योंकि वो चोरी छुपे जो ऐसे जो पटाखे हैं जिससे प्रतिबंध है वो दुकानदार कुछ पैसों के लालच में वो बेचते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं। अगर आदमी इस त्यौहार को जिस तरीके से बनाया गया, आपने ही बताया कि जिस त्यौहार को लाइटों से सजाएं और तमाम दिए जलाएं, वो त्यौहार की खुशी बहुत बेहद खूबसूरत होती है जिससे जो जगमगाता है पूरा शहर, लेकिन पटाखों से और उसको बजाने से, उसको फोड़ने से कहीं ना कहीं सेहत के लिए नुकसानदायक जरूर है। जी बिल्कुल। राजू शर्मा जी, अगर हम बात करें तो प्रतिबंध पर हम बात कर रहे हैं, लोग मानते नहीं है, मनमानी करते हैं, प्रशासन कितना एक्टिव मेरिट में नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रतिबंध बेशक लगाया गया है लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग ठिकानों से खरीदारी की जा रही है, जैसे हमारे साथी दिल्ली के संवाददाता
प्रवेश शर्मा ने बताया कि मिठाई के डिब्बों में गिफ्ट के तौर पर पटाखों की डिलीवरी की जा रही है। यही हाल मेरठ का है, मेरठ में भी बेशक प्रतिबंध है लेकिन डिलीवरी जो है मिठाई के डिब्बों में की जा रही है और लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी सबसे पहले हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो दीपावली का पावन पर्व है ये दीपों का पर्व होता है और दीपक जलाकर ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है, पटाखे फोड़ने से नहीं। लेकिन कुछ लोग दीपावली को पटाखे के तौर पर देखते हैं कि पटाखे फोड़ने से ही दीपावली मनती है और इसी से पूजा अर्चना होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दीपावली और दीपों के पर्व के लिए जाना जाता है और आगामी जो त्यौहार है, कल जो त्यौहार आने वाला है वो गोवर्धन, उसके दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। लेकिन लोग इस दिन भी पटाखों को फोड़ते हैं और जश्न मनाते हैं, जबकि पूजा अर्चना करने मात्र से ही इस त्यौहार को मनाया जा सकता है। ये लोगों को समझना पड़ेगा ताकि जो लगातार प्रदूषण का स्तर है उसमें कमी लाई जा सके और जो जहरीली हवा फैल रही है, बीमारियां फैल रही है, उस पर रोकथाम लगाई जा सके। बिल्कुल राजू शर्मा जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस बात को समझेगी कि पोल्यूशन को खत्म करना हमारी ही जिम्मेदारी है और पर्यावरण को संरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो शुद्ध हो सके, स्वच्छ हो सके, साफ हो सके। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली के पर्व में लोग इस बात को समझेंगे। प्रवेश जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। दिल्ली में जैसे कि पूरी तरीके से पटाखों पर बैन है, तो अगर पटाखे फोड़े जाते हैं तो क्या किसी तरीके की कोई कानूनी प्रक्रिया की बात कही जा रही है? जो बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ टीमें नियुक्त की गई है जो गली गली में घूमेगी और ये देखेंगी कि कोई पटाखा फोड़ रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। और उसमें देखिए, पिछली बार की बात करें तो 500 रुपए का जुर्माना था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 2 दिन की जेल तक की भी बात सामने आ रही है। और उसमें सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि क्योंकि जो टीमें हैं वो घूमती बेशक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी गली में बच्चे होते हैं पटाखे फोड़कर कब दूसरी गली में घुस जाते हैं या घरों में घुस जाते हैं, तो वहां से टीम को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या तो घात लगाकर टीम पहले से बैठे। लेकिन साफ तौर पर मैं बता दूं कि जो कार्रवाई की बात है वो सिर्फ कागजी है, कुछ भी आपको दिल्ली में किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई सिर्फ कागज में दिखाई देगी, कोई भी एक्शन नहीं होगा। साफ तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर साल दिल्ली में दिवाली के आसपास प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग बढ़ चढ़कर अधिक संख्या में पटाखे फोड़ते हैं। भले ही पिछली बार 11 बजे तक का समय दिल्ली में पटाखे फोड़ने का दिया गया था, लेकिन इस बार पूर्णतः बैन है, उसके बावजूद पटाखे लगातार खरीदे जा रहे हैं और लगातार आतिशबाजी भी हो रही है। और जब धीरे धीरे दिन ढलेगा, शाम होगी, तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं अधिक संख्या में फूटेंगे और कल दिल्ली की जो हवा है वो फिर से आपको जहरीली दिखाई देगी। ये मैं अनुमान नहीं, ये साफ तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में हर साल यही होता है। जी बिल्कुल प्रवेश, कहीं ना कहीं हमें ये जिम्मेदारी, इनिशिएटिव लेना होगा। लखनऊ से संवाददाता भरत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, अगर हम यहाँ राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा जुर्माना लगाया जाएगा जो लोग इस तरीके से पोल्यूशन करते हुए या क्रिएट करते हुए नजर आएंगे? इस तरीके का भी कोई कानून अभी लखनऊ में कोई अभी ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये सख्ती बरतने का जरूर आदेश पारित हुआ है कि सख्ती बरती जाए। रात को 10 बजे के बाद अगर कोई भी पटाखे फोड़ता है तो उस पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जेल जैसी की अभी यहाँ पे इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। फिलहाल लोगों को पहले ही ये सोशल मीडिया के माध्यम से कमिश्नर हैं उनकी तरफ से भी आदेश आ गए हैं सोशल मीडिया पर, और जो मीडिया पर भी जानकारी दी जा रही है कि जो पटाखे फोड़ने का समय है वो 8 बजे से रात को 10 बजे तक 2 घंटा निर्धारित है। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो देखना ये होगी किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि अक्सर पहले भी ये एक तो पहले आदेश आया था दीपावली में पटाखे फोड़ने का टाइम जो निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ में देर रात पटाखे फोड़ते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए कि पुलिस जो हर गली में जाकर जांच कर रही है कि कौन पटाखे फोड़ रहा है, लेकिन अब कैसी स्थिति होगी रात 10 बजे के बाद, क्या लोग सुधरेंगे और फिर इसी तरह की जो पटाखे हैं उसको फोड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से AQI जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और हालांकि पोल्यूशन को अगर कम करना है तो हमें और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ एन आर। नमस्कार।